Hello friends, I welcome you to VSSS Virtual Student Support Services YouTube channel, and our today's video is about CS610 computer networks. दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है वो असाइनमेंट नंबर 1 के हवाले से है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट असाइनमेंट. हमें इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं. क्रिएट अ डायरेक्टरी फोल्डर एंड नेम इट योर ओन स्टूडेंट आईडी दैट इज MC123456. हमने एक फोल्डर बनाना है और उसका नाम जो है वो हमने अपना आईडी रखना है. गो टू योर स्टूडेंट आईडी डायरेक्टरी, फिर हमने उस डायरेक्टरी के अंदर फोल्डर के अंदर जाना है थ्रू कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए एंड एग्जीक्यूट पिंग, और पिंग कमांड एग्जीक्यूट करनी है एंड ट्रेस रूट कमांड एग्जीक्यूट करनी है कमांड फॉर एनी ऑफ दी वेबसाइट. इनमें से किसी भी एक वेबसाइट की मतलब ये पिंग भी एग्जीक्यूट कर दी है और ट्रेस रूट भी जो है वो एग्जीक्यूट कर दी. क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू मशीन टू ट्रांसफर अ फाइल ऑफ 8 MB अक्रॉस द नेटवर्क विद 64 KB/s. हमारे पास एक नेटवर्क है और उसमें जो ट्रांसफ़र रेट है दैट इज़ इक्वल टू 64 KB/s और 8 MB की फाइल है, तो हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर दैट फाइल. और सेकंड इसमें बी है, हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू सेंड अ पैकेट इफ फाइल इज ब्रोकन इनटू पैकेट ऑफ 5 1024 bytes. के फाइल जो है अगर एक 1024 bytes के अंदर ब्रोकन है तो हमें एक पैकेट सेंड करने में कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा. दोस्तों ये है हमारी असाइनमेंट, तो आइए अब हम इसके सलूशन की तरफ चलते हैं. हमने करना क्या है, हमने सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, रन में जाना है. रन में जाकर हमने लिखना है CMD कमांड प्रॉम्प्ट. तो हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट की ऐसी एक ब्लैक स्क्रीन ओपन हो जाएगी जैसे यहाँ पर मैंने फर्स्ट स्नैपशॉट के अंदर दिखाया हुआ है. यहाँ पर हम लिखेंगे CD होता है चेंज डायरेक्टरी. जब भी हम कोई नई डायरेक्टरी बनाते हैं या हम किसी डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं या हम डायरेक्टरी से बाहर आते हैं तो हम CD लिखते हैं, मतलब चेंज डायरेक्टरी. चेंज डायरेक्टरी लिखा और डेस्कटॉप लिखा ताकि हम लोग डेस्कटॉप पे चले जाएं जी. उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद फिर हमने CD डाला. CD का मतलब वही चेंज डायरेक्टरी है. और फिर हमने अपना VU का ID डाल दिया, जैसे मैंने यहाँ पर रेड कलर के अंदर MF15040857 डाला हुआ है. तो इससे क्या होगा, इससे हमारे पास एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा. अब अगर हमने इस फोल्डर के अंदर जाना है तो हम फिर क्या करेंगे, वही लिखेंगे CD लिखने के बाद फिर वही उसका अपना VU ID लिखेंगे तो हम उस फोल्डर के अंदर चले जाएंगे. अगर हमने किसी फोल्डर से बाहर आना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लिखेंगे CD और डबल डॉट लगा देंगे तो हम उस फोल्डर से बाहर आ जाएंगे. अभी फिल वक्त हमने डायरेक्टरी बनाई है CD के ज़रिए, अब हम उस डायरेक्टरी में जाना चाहते हैं तो हम CD और उस डायरेक्टरी का नाम लिखेंगे तो हम उस डायरेक्टरी में चले जाएंगे. वहाँ पे जाने के बाद हमने क्या करना है, वहाँ पे जाने के बाद हमने लिखना है पिंग. लिखने के बाद यहाँ पे जो मैंने वेबसाइट ली है वो ली है VU की मेन जो वेबसाइट है उसका URL ली है www.vu.edu.pk. जब हम ये पिंग लिखकर ये वेबसाइट का URL डालेंगे तो हमारे सामने कुछ जो स्क्रीन है वो इस तरीके की आएगी. ये पिंग होने के बाद ये यहाँ पे जब रुक जाएगी तो हमने क्या करना है, इसका प्रिंट स्क्रीन के जरिए स्नैपशॉट लेना है और उसको फिर वर्ड की फाइल में पेस्ट करना है जैसे यहाँ पे मैंने सेकंड जो स्क्रीन शॉट है वो दिखाया हो. उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद ट्रेस RT हमने उसका रूट मतलब ट्रेस करने के लिए क्या करेंगे, ट्रेस RT ये कमांड है वो लिखेंगे और फिर वही URL www.vu.edu.pk डालेंगे और एंटर करेंगे तो हमारे सामने ये एक ट्रेस रूट की कमांड आ जाएगी और ये आउटपुट आ जाएगी. फिर हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ आएगा ट्रेस कंप्लीटेड या कंप्लीट, तो फिर हमने उस विंडो का भी स्क्रीनशॉट ले लेना है जैसे मैंने इस थर्ड स्नैपशॉट के अंदर दिखाया. दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1. अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. इसमें भी हमें दो मतलब पार्ट दिए गए थे, एक ए पार्ट एक बी पार्ट. ए पार्ट क्या था, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू अ मशीन टू ट्रांसफर अ फाइल ऑफ 8 MB अक्रॉस द नेटवर्क विद 64 KB/s. क्या हमने एक फाइल ट्रांसफर करनी है 8 MB की 64 KB/s स्पीड है तो कितना टाइम लगेगा. हम क्या करेंगे, सबसे पहले 8 MB को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू KBs में. ट्रांसफ़र करने के लिए क्या है कि जी 1024 का हमारे पास अगर KBs हो तो हमारे पास 1 MB बनता है,
तो हमने 8 मल्टीप्लाई बाई 1024 किया तो हमारे पास 8192 KBs बन गया जी। ये टोटल KBs हैं 8 MB के। उसके बाद हमने क्या किया, 64 KB पर सेकेंड स्पीड आ रही है, 64 को हमने डिवाइड किया 8 के साथ क्योंकि हमारी 8 MB की फाइल है, तो हमारे पास 8 KB पर सेकेंड जवाब आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके बाद फिर 8192 हमारे पास KBs हैं और 8 जो है वो एक जवाब आया है हमारा पर सेकंड का, तो हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1024 सेकंड्स बन जाएंगे। दिस इज हमारे पास ये सारे टोटल सेकंड्स बन गए। अब हमने उसको मिनट्स में ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसफ़र करने के लिए 1024 डिवाइडेड बाई 60 करेंगे क्योंकि हमारे पास एक घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो हमारे पास 17.06 मिनट आ जाएगा। मतलब वी कैन ट्रांसफ़र 8 MB फाइल ऑन अ नेटवर्क विच हैज़ बीन स्पीडेड 64 KB पर सेकेंड, देन 17.07 मिनट इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफ़र दैट फाइल अक्रॉस द नेटवर्क। इसमें बी जो था जी, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू सेंड अ पैकेट इफ फाइल इज ब्रोकन इनटू पैकेट ऑफ 5 1024 बाइट्स, इसके लिए हमें कितना मतलब टाइम लगेगा। अब हमने यहाँ पे क्या किया, 1024 बाइट्स लिए हैं, उसको मल्टीप्लाई 8 बिट्स क्योंकि 8 बिट्स का जो है एक बाइट बनता है। उसके बाद हमने 64 जो है वो हमारा KB पर सेकंड स्पीड आ रही है और 10 रेज टू पावर 3 बिट लिया, जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 0.128 आ गया। दोस्तों ये थी हमारी असाइनमेंट CS610 की कंप्यूटर नेटवर्क्स की। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो आप मेरा चैनल देखते रहिए, मेरी वेबसाइट ज़रूर विज़िट कीजिए ताकि आपको हर अपडेट्स मिलती रहें। मोफिन भाई को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।